सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो तीन तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है। सबसे पहला, केंद्र सरकार जायज फंड, जो हक है राज्यों का, वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा तरीका, गवर्नर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रोज काम में टांगड़ आती है, हर काम में टांगड़ आती है। और तीसरा तरीका, एजेंसीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं। यहां पे पिनराई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और कई सारे राज्यों के मंत्रीगण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिए जा रहे। अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, केरला की सरकार कैसे चलेगी, तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी। और हम यहां भीख मांगने नहीं आए, विजयन साहब यहां पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए, वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहां अपने 3 करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूं। संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा। ये वाला टैक्स आएगा, मैं इनकम टैक्स में था, ये थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं इसको, तो कितना फंड, कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी, फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन तय करेगा, ये पैसा केंद्र के पास जाएगा, ये पैसा राज्य सरकार। अरे जो हमारा हक है, हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलनाडु के लोगों का हक है, वेस्ट बंगाल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है, वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का, आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं। अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे करेंगे।